नाजरीन, आज दुनिया भर में खवातीन के तहफ्फुज़ का आलमी दिन मनाया गया। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट दुबई से देखते हैं, रिपोर्ट भेजी है हमारे नुमाइंदे मोइन समदानी ने। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 मार्च दुनिया भर में खवातीन के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, और ये दिन एक तजदीद अहद भी है कि खवातीन जो इस दुनिया के हुस्न का मजहर है, आज पूरी दुनिया में मर्दों के शाना बशाना अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रही हैं, और इनके हुकूक की पासदारी हर मुआशरे का फ़र्ज़ है। इसी दिन मैं हर औरत से कहना चाहूँगी कि अपनी खुद की कदर करें, अपने हुकूक जाने, और बिना खौफ के, बिना डर के अपना किरदार, अपनी हैसियत, अपनी राय, अपनी दुख, अपनी दर्द का इजहार पूरी दुनिया के सामने अपनी कद्र और हैसियत को साबित करने के लिए हम सब खवातीन हकदार हैं। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मैं सैयदा कौसर उन सभी खवातीन को गुड लक विश करती हूँ जो स्ट्रांग, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड और शानदार जिंदगी जीने वाली हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि तुम सब मोहब्बत और सराहे जाने के लायक हो, मगर अफसोस का मुकाम तो ये है कि अभी भी खवातीन को अपने राइट्स की फाइट करना होती है। Women's Day is a remembrance memory for us each year to have some silent moment and think about the achievements women and humanity has done so far with. 8 मार्च पे खवातीन के हवाले से कि कोई भी औरत कमज़ोर नहीं होती, हर औरत बहादुर होती है, और ख़ास तौर पर माँ, बहन, बेटी, ये बहादुर तरीन मखलूक है। मैं आप लोगों से कहूँगी कि डर भी आपके अंदर है, हार भी आपके अंदर है, और जीत भी आपके अंदर है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किसे साथ लेके चलना चाहती हैं। या ख़वातीन का जो आलमी दिन है इस हवाले से, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हर दिन ख़वातीन का दिन है, क्योंकि फैमिली का बेसिक यूनिट है ख़वातीन। तो मैं ये समझती हूँ कि सेल्फ़ रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी ख़वातीन को, कि ख़ुद को पहचाने और किसी से वैलिडेशन ना लें कि आप क्या हैं, आपके अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं, आप क्या कर सकती हैं, और करना ज़रूरी है। ख़ुद को ये एक बिल्कुल इनएक्टिव मेंबर सोसाइटी का ना बनाया जाए, एक्टिव हों, तालीम हासिल करें। आप अपने जो भी आपका सर्कल है, अगर आप डोमेस्टिक सर्कल में हैं वहाँ आप क्या चेंज ला सकती हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो वहाँ पर आप क्या कर सकती हैं, अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। सेलिब्रेटिंग सो मेनी अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ वुमेन, आई डू वर्क ऑन द डिस्क्लोजर ऑफ चाइल्ड मैलट्रीटमेंट एंड एस्पेशली अमंग फीमेल चिल्ड्रन, दिस इज़ अ बिग इश्यू, एंड सो इट्स रियली गुड टू बी हियर फोकसिंग ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। You know, women's rights are human rights, and so we really need to make sure that we're doing all that we can to protect young girls around the world. I just wanted to say happy International Women's Day. It's a great day to celebrate women of all walks of life, and to encourage women to be more proactive and join in different industries and roles and empower them to take that step. Thank you. Women's Day के मौके पर हम सबको बराबरी की बात करनी चाहिए, जिस पर अहद करें औरत मर्द के शाना बशाना चले। मुझे फख्र है कि मैं एक औरत हूँ और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी जानती हूँ। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स अराउंड द वर्ल्ड। थैंक यू। इसमें बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है हम इकरा के मानने वाले। अगर हम इसको सिर्फ इस्लामी ममालिक की बच्चियों के लिए बात करें तो हमारा तो पहला लफ्ज़ है इकरा। जब तक आपके पास तालीम की एक और तहजीब की एक सीढ़ी खड़ी नहीं होगी, आप तब तक बुलंदी पे जाके दुनिया को नहीं देख सकेंगे। बाकी तमाम हकूक बात में आते हैं। पहले इस मुआशरे से इल्म हासिल करने का वो बुनियादी हक जो कि 14 सदियां पहले दे दिया गया था, उस हक का तकाजा कीजिए। बाकी तमाम हकूक इस इल्म की, इस तालीम की रोशनी का हाथ थामे पीछे पीछे चले आएंगे। हर मुआशरे और हर मुल्क कौम की खवातीन हमारे लिए काबिल एहतराम है, और हम सब का ये अखलाकी, मजहबी और कानूनी फ़र्ज है कि हम इनके हुकूक की पासदारी के लिए अहम इकदामात करें और इनकी जान व माल व आबरू के तहफ्फुज़ के तमाम इकदामात का खैर मकदम करें। मुइन समदानी, दी जर्नल न्यूज़, HD, दुबई।